मैं तीसिन आ गया, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन को। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन को और पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। तो क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हु, जैसे कि हुम, जैसे कि हुज, जैसे कि विच, जैसे कि दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इन सब का इंडिविजुअल यूज तो अपने पढ़ेंगे ही, साथ ही अपने इनके कॉमन रूल्स की कुछ बात कर लेते हैं। इनके कॉमन रूल्स क्या होते हैं इनकी अपने बात करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले इनके कॉमन रूल। तो दोस्तों क्या है कॉमन रूल? कॉमन रूल्स, कॉमन रूल्स, कॉमन रूल्स जो इन सब पर अप्लाई होते हैं वो हैं। तो इसमें पहला रूल ये कहता है कि, पहले रूल से पहले मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। जैसे कि सेंटेंस ये है, यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं आपको कि सेंटेंस है आई हु इज, आई हु इज योर टीचर, योर टीचर शैल गाइड यू, गाइड यू, आई हु इज योर टीचर शैल गाइड यू फॉर एनडीए एग्जाम, एनडीए एग्जाम, ओके। और दोस्तों एन ई एन ए, एन ई का मतलब नो एरर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एन ई। अब ये इस सेंटेंस का ए पार्ट है मान लेते हैं, ये इस सेंटेंस का बी पार्ट है, और ये इस सेंटेंस का सी पार्ट है, और ये इस सेंटेंस का डी पार्ट है। अब अपने को एरर फाइंड आउट करनी है दोस्तों, इसमें क्या एरर हो सकती है। तो कॉमन रूल की अपने बात कर रहे थे, तो कॉमन रूल में हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये है। कॉमन रूल से ही अपने को एरर का पता चलेगा। कॉमन रूल में हमारा फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कौन, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी प्रोनाउन आर नहीं है ये प्रोनाउन, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहां पर जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोल दो या पूर्ववर्ती शब्द। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहां पर ये जो वर्ब होती है ये हमेशा इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है। मतलब ये नाउन प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है, ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट कौन है? आई, आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ क्या आता है? एम। तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है कि यहां पर इज नहीं आएगा, यहां पर एम आएगा, ओके। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन अपने को पढ़ने, याद रखिएगा ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन से जो भी पहले नाउन या प्रोनाउन आता है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो यहां पर आई एंटीसीडेंट था किसका? हु का, और ये वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आई तो इज नहीं आएगा, एम आएगा। इसी तरह आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल क्या है? इसको पहले आगे भेजते हैं, इसको क्लियर करते हैं अपने। चलिए अब अपने सेकंड रूल की बात करें दोस्तों। तो जैसे एक सेंटेंस है,
सेंटेंस क्या है कि आई हैव ए मोबाइल फोन, ए मोबाइल फोन, आई हैव ए मोबाइल फोन एंड विच इज गिवन टू मी बाय माई अंकल। ये सेंटेंस है और एन ई नो एरर। तो दोस्तों ये इसका ए पार्ट है, ये इस सेंटेंस का बी पार्ट है, और ये इस सेंटेंस का सी पार्ट है, और ये हो गया डी पार्ट। आई हैव ए मोबाइल फोन एंड विच इज गिवन टू मी बाय माई अंकल। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है इसको समझने के लिए हमें एक और रूल को पढ़ना पड़ेगा, और अब हमारा रूल ये है, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये खुद कंजक्शन का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन स्वयं क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन स्वयं कंजक्शन होते हैं। और कंजक्शन का काम क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो यहां पर ये खुद कंजक्शन है, कौन? रिलेटिव प्रोनाउन, और इसलिए यहां पर एंड की कोई जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हुई। तो यहां पर बी पार्ट में एरर है, एंड जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम विच ही यहाँ पर कर रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के कुछ और सेंटेंसेस की अपने बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और ये रिलेटिव प्रोनाउन पर आधारित हैं, जो कि कॉमन रूल के लिए। जैसे अपने कहते हैं दिस इज द सेम बॉय दैट हैव स्टोलन माई बुक्स, दैट हैव स्टोलन माई बुक्स। अब ये इस सेंटेंस का ए पार्ट है, ये इस सेंटेंस का बी पार्ट है, और ये इस सेंटेंस का सी पार्ट है, और ये है नो एरर। अब देखें इस सेंटेंस में क्या एरर है। तो दोस्तों देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट कौन है? बॉय। बॉय सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो ये यहां पर क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए दोस्तों। ओके, यहां पर ये क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कॉमन, जो रूल से रिलेटेड हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन अब अपने को ये पढ़ना है कि ये जो हु होता है इसका पर्टिकुलर क्या यूज होता है, और इसी तरह जो होम होता है इसका पर्टिकुलर क्या यूज होता है, और इसके अलावा हुज, और इसके अलावा विच, और इसके अलावा दैट के पर्टिकुलर यूज क्या होते हैं, इनकी बात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हु की, कि हु के पर्टिकुलर क्या यूज होते हैं। तो दोस्तों ये दो बातें याद रखनी है, कि पहली बात तो ये कि हु का यूज हमेशा पर्संस के लिए होता है। हिंदी में बात करें तो हु का यूज जो होता है वो व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए होता है। और दूसरी बात, हु के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का यूज किया जाता है। दो बातें याद रखनी है कि हु का यूज पर्संस के लिए होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इसके बाद आती है। एक तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो तब अपने पर्सन के लिए हु का यूज नहीं करेंगे, तब अपने पर्सन के लिए किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। अब सेंटेंस को समझिए। सेंटेंस है हमारे पास कि एवरीवन एवरीवन लाइक्स
एवरी वन लाइक्स दोज हु इज ऑनेस्ट. एवरी वन लाइक्स दोज हु इज ऑनेस्ट. तो ये है इस सेंटेंस का ए पार्ट, ये है इस सेंटेंस का बी पार्ट, ये है इस सेंटेंस का सी पार्ट, और ये है नो एरर. अब इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? तो दोस्तों अभी फिलहाल ये कॉमन रूल्स जो मैंने भी आपको बताए थे, कॉमन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन भी है ये. कैसे? क्योंकि यहां पर एवरीवन की बात हो रही है, और एवरीवन की बात हो रही है इसका मतलब बात हो रही है पर्संस की, और पर्संस की बात हो रही है तो पर्सन के साथ किसका यूज किया जाता है? पर्सन के लिए हु का यूज किया जाता है, हु का यूज हो रहा है, और बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आनी चाहिए, वो भी हो रही है. लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये वर्ब जो है वो सही है या गलत? तो हम देखेंगे कि इसका एंटीसीडेंट कौन है. इसका एंटीसीडेंट है दोज, और इस दोज के अकॉर्डिंग ही वर्ब आने चाहिए. तो दोज इज नहीं होता है दोस्तों, दोज प्लूरल है, तो यहां पर होना चाहिए था दोज आर. तो यहां पर कौन से पार्ट में एरर हुई? सी पार्ट में. अभी जो ये रूल पढ़ा है ये कॉमन रिलेटेड, कॉमन जो रूल हमने पढ़े उससे रिलेटेड भी है, क्योंकि वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है. तो हु का एंटीसीडेंट कौन है? दोज. दोज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. और हु के संबंध में हमने पढ़ा कि इसका यूज पर्संस के लिए होता है, तो एवरीवन पर्संस होते हैं, इसलिए हमने हु का प्रयोग किया था. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है, इस ये भी हो रही है, तो इस कारण से हु का ही यूज होगा. लेकिन गलती वर्ब की है कि वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग नहीं है. अब बात करते हैं हु से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की, जहां पर अपने देखेंगे कि हु से रिलेटेड किस टाइप की गलतियां होती हैं. जैसे क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन ये है कि शी इज द मोस्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल हु वॉन मिस इंडिया अवार्ड, मिस इंडिया अवार्ड लास्ट ईयर या जो भी है. ठीक है, ये हो गया. अब ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, और ये इसका सी पार्ट है, और ये है इसका डी पार्ट. अब देखो दोस्तों, यहां पर हु का यूज पर्सन्स के लिए होता है, हमने ये पढ़ा था, तो शी कोई पर्सन है. लेकिन यहां पर आ रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल एक सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री के साथ हु का यूज नहीं होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का यूज होता है. पीछे हमने पढ़ा था ये, इसलिए यहां पर दैट का प्रयोग हो. अगर मोस्ट ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुल होता, शी इज अ मोस्ट अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल हु इज माई नेबर, हु इज माई नेबर. मान लो इस तरह का सेंटेंस होगा तो फिर क्या एरर है देखते हैं. ये है इसका ए पार्ट, ये है इसका बी पार्ट, और ये है इसका सी पार्ट, और ये है नो एरर. तो दोस्तों यहां पर हु का यूज पर्सन्स के लिए होता है, तो शी है या गर्ल है, पर्सन ही है. इसके बाद वर्ब का यूज हो रहा है, वो भी हो रहा है. तो अब देखें एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब है क्या? गर्ल सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. तो हु का यूज हमेशा पर्संस के लिए होता है. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होनी चाहिए. यहां पर देखो मेन वर्ब थी वोन, और यहां पर जो है ये इज आ रहा है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब. इस तरह से हु का यूज पर्संस के लिए होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है. अब हम बात करेंगे होम और हुज की, होम और हुज के क्या यूज हैं. चलिए बात करते हैं. एक तो होम है और दूसरा है हुज. होम और हुज में सबसे पहले तो अपने को इनके हिंदी अर्थ को समझता है समझना है. होम का अर्थ होता है जिसे, और हुज का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों जिसका या
जिसकी, जिसका या जिसकी, इसका हिंदी अर्थ होता है। और दूसरी बात कि होम के बाद हम नाउन का भी यूज कर सकते हैं और होम के बाद हम प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज किया जा सकता है। जबकि हुज के बाद जो है ओनली नाउन का यूज होता है, प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अपने ऐसे बात करते हैं कि दिस इज ना करके हम इसको ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि जॉन, जॉन हुज मोबाइल फोन हैज लॉस्ट इज वीपिंग इन द क्लास, या इज वीपिंग ही सही है, और नो एरर। अब इस सेंटेंस में ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, ये है इसका सी पार्ट और ये है इसका डी पार्ट। अब देखो यहां पर दोस्तों, हुज के बाद नाउन का यूज हो सकता है, तो मोबाइल फोन नाउन ही है, एक थिंग है, क्योंकि प्रत्येक थिंग नाउन होती है। और वैसे भी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, वैसे भी इसका हिंदी अर्थ होता है जिसका। तो जॉन जिसका मोबाइल फोन खो चुका है, कक्षा में रो रहा है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। अगर दोस्तों यहां पर आप होम का यूज करते तो ये गलत हो जाता, होम गलत हो जाता। हालांकि होम के बाद भी नाउन आती है, लेकिन जब नाउन आती जाती है ना, तब अपने को हिंदी अर्थ से पहचानना होगा कि हुज का यूज होगा या होम का। जैसे यहां पर हिंदी अर्थ चाहिए जिसका, जॉन जिसका मोबाइल फोन खो चुका है वो रो रहा है, तो यहां पर हुज का यूज होना चाहिए, होम का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि होम का अर्थ होता है जिसे, हुज का अर्थ होता है जिसका, तो यहां पर होगा जिसका। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अपने कहते हैं जॉन, जॉन होम, होम आई स्कोल्डेड, होम आई स्कोल्डेड इज वीपिंग, जॉन जिसे मैंने डांटा था वो रो रहा है। अब नो एरर, ये है इसका ए पार्ट, ये है इसका बी पार्ट, ये है इसका सी पार्ट और ये है इसका डी पार्ट। अब होम, होम का हिंदी अर्थ क्या होता है, जिसे, और इसके बाद, वैसे भी यहां पर आई प्रोनाउन है और प्रोनाउन किसके बाद आता है, होम के बाद आ सकता है, तो वैसे ही ये सेंटेंस सही है, क्योंकि हुज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुज के बाद प्रोनाउन नहीं, ओनली नाउन आती है और आई प्रोनाउन है, तो हुज तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, तो होम ही सही है। और होम का अर्थ क्या होता है, जिसे, जॉन जिसे मैंने डांटा वो रो रहा था। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि जॉन हुज टीचर, जॉन हुज टीचर स्कोल्डेड, जॉन जिसे टीचर ने डांटा इज वीपिंग इन द क्लास या इज वीपिंग, ये तीसरा सेंटेंस देखो, यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है, ए पार्ट ये हो गया इसका, बी पार्ट ये हो गया इसका, सी पार्ट और ये हो गया नो एरर। अब देखो यहां पर जॉन हुज, हुज और ये टीचर, टीचर नाउन है, तो हुज के बाद नाउन का यूज कर सकते हैं अपने, बावजूद उसके ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जिसका, जॉन जिसका टीचर ने डांटा रो रहा है, जिसका नहीं, जिसे, और जिसे अर्थ किसका होता है, जिसे अर्थ होता है होम का। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा होम। तो जॉन जिसे टीचर ने डांटा वो कक्षा में रो रहा था। इसलिए ये मत समझना कि नाउन आ रही है तो फिर हम होम और हुज दोनों ही आंख बंद करके सही कर लें, ऐसा नहीं होगा। अगर नाउन आ रही है तो फिर आपको हिंदी अर्थ पे जाना होगा कि अर्थ जिसे का आ रहा है या जिसका, उसके अकॉर्डिंग अपने को इसका यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था होम और हुज का यूज। अब अपने विच की बात करते हैं कि विच का यूज कैसे होता है। चलिए बात करते हैं विच की। ओके,
विच का क्या यूज? तो विच का कोई विशेष यूज नहीं है। विच का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है? विच का यूज होता है एक तो एनिमल के लिए और एक होता है थिंग के लिए। ठीक है, एनिमल और थिंग के लिए इसका यूज होता है। जैसे अपने कहते हैं दिस इज अ कार विच बिलोंग्स टू मी, विच बिलोंग्स टू मी। तो यहां पर कुछ सोचने वाली बात है नहीं, कार थिंग है, थिंग के साथ विच का यूज होता है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। और दोस्तों कार की जगह अगर हम काऊ लिख दें तो फिर क्या हो जाएगा? एनिमल, तो भी किसका प्रयोग होगा? विच का प्रयोग होगा, तब भी सेंटेंस सही होगा। तो विच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, विच को खास समझने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो दैट होता है, इसलिए अपने अब बात करने वाले हैं दैट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट, तो हम बात करेंगे किसकी? दैट की। दैट के बहुत सारे यूज हैं। दैट का आपको पता है कि पर्सन के लिए किसका यूज होता है? हु का यूज होता है, पर्सन के लिए हु। लेकिन थिंग के लिए किसका यूज होता है? थिंग के लिए विच। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में पर्सन और थिंग दोनों होंगे तो फिर हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में पर्सन प्लस एनिमल होगा तब भी अपने किसका यूज करेंगे? तब भी अपने यूज करेंगे दैट का। ओके, पर्सन प्लस एनिमल के साथ भी दैट का यूज होगा, पर्सन और थिंग के साथ भी दैट का यूज होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि बोथ बोथ द राइडर, बोथ द राइडर एंड द हॉर्स, द हॉर्स विच फेल डाउन, विच फेल डाउन वर वाउंडेड। दोनों घुड़सवार और घोड़ा जो नीचे गिरे जख्मी हो गए। अब ये है इसका ए पार्ट, ये है इसका बी पार्ट, ये हो गया इसका सी पार्ट और ये हो गया डी पार्ट। बोथ द राइडर, राइडर दोस्तों घुड़सवार होता है, ये एक पर्सन हो गया, और हॉर्स एनिमल है। अब यहां पर पर्सन प्लस एनिमल यानी कि दोनों चीजें आ गई, तो फिर किसका प्रयोग होगा? विच का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। इसी तरह मान लो पर्सन प्लस थिंग होता तब भी ऐसा ही होता। जैसे अपने बात करें बोथ द ड्राइवर, बोथ द ड्राइवर एंड द कार, बोथ द ड्राइवर एंड द कार विच फेल डाउन, विच यू सा, ऐसे बोलते हैं अपने, विच यू सा इन द मार्केट, इन द मार्केट बिलोंग टू मी, बिलोंग टू मी, नो एरर। अब देखिए यहां पर इसका ए पार्ट है, ये है इसका बी पार्ट, ये है इसका सी पार्ट और ये है नो एरर। अब यहां पर ड्राइवर पर्सन है और कार थिंग है, और पर्सन और थिंग होगा तब भी किसका यूज होगा? दैट का। तो यहां पर विच गलत है, यहां पर किसका यूज होना चाहिए? यहां पर यूज होना चाहिए दैट का। ओके, ये था हमारा फर्स्ट रूल दैट का। सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल क्या है इसका, आइए देखते हैं। सेकंड रूल हमारा दैट का ये है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो दैट का प्रयोग होता है, ये तो हम खैर पढ़ ही चुके। सेकंड रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हु या फिर व्हाट या फिर विच से होती है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हु व्हाट या विच से होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और बीच में अगर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है तो दोस्तों दैट ही आएगा, और कोई रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर नहीं आ सकता। तो जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं,
जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हु एम आई, हु एम आई हु स्कोल्ड यू, हु एम आई हु स्कोल्ड यू, तुम्हें डांटने वाला मैं कौन होता हूँ। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हु से, और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो बीच में हु नहीं आएगा, बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा दैट। इसी तरह व्हाट से शुरुआत होती है तब भी ऐसा ही होगा, जैसे व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर विच मेक्स यू लाफ, विच मेक्स यू लाफ, वहां क्या है जिस पर तुम्हें हंसी आ रही है। तो यहां पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, व्हाट से, लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा दैट। इसी तरह अगर विच से शुरुआत होती है, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक विच यू लाइक मोस्ट, विच यू लाइक मोस्ट, तो इस सेंटेंस में शुरुआत किससे हो रही है, विच से, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो बीच में क्या आएगा दैट। तो जब भी हु व्हाट या विच से क्वेश्चन शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो बीच में दैट का यूज होगा। ये था दूसरा रूल। तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि जो दैट होता है, दैट, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन बिफोर दैट, दैट से पहले प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है द मेडिसिन ऑफ दैट एल्कोहल इज अ कंपोनेंट, इज अ कंपोनेंट शुड नॉट बी, शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन, ऐसी दवाइयां जिनमें CHILDREN चिल्ड्रन, ऐसी दवाइयां जिनमें एल्कोहल हो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो ये ए पार्ट, ये हो गया इसका बी पार्ट, और ये हो गया इसका सी पार्ट, और नो एरर। तो दोस्तों इससे पहले प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, तो यहां दैट से पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, यही सेंटेंस में एरर है। ये था तीसरा रूल। एक अंतिम रूल की बात करते हैं, लास्ट रूल जो दैट का है, वो क्या है, कोई इंपॉर्टेंट जो है रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो दैट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें चौथा रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में द लिटिल आ जाए, ए लिटिल, लिटिल अ लिटिल, द लिटिल होता है, इसमें से द लिटिल आ जाए, या द ओनली आ जाए, द ओनली आ जाए, या फिर द सेम आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हमें किसका यूज करना है, ऐसे सेंटेंस में भी हमें दैट का यूज करना है। तो यहां पर एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस बात को कि क्वेश्चन ये है फर्स्ट कि द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, द लिटिल मनी विच आई हैड आई स्पेंट ऑन दिस हाउस, आई स्पेंट ऑन दिस हाउस। अब मान लो सेंटेंस ये है और इसमें एरर पूछ रहा है वो, तो ये इसका ए पार्ट मान लेते हैं, ये इस सेंटेंस का बी पार्ट मान लेते हैं, ये इस सेंटेंस का सी पार्ट मान लेते हैं, और ये नो एरर। अब देखो दोस्तों यहां पर द लिटिल का यूज हो रहा है, तो द लिटिल के साथ विच नहीं आ सकता, द लिटिल के साथ क्या आता है, द लिटिल के साथ दैट। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि मैन इज द ओनली एनिमल, द ओनली एनिमल विच कैन थिंक, विच कैन थिंक, मनुष्य एकमात्र ऐसा पशु है जो सोच भी सकता है।
तो ये है इसका ए पार्ट, ये है इसका बी पार्ट, ये इसका बी पार्ट है और ये है इसका सी पार्ट। तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? विच नहीं आएगा, दैट आएगा। इसी तरह अपने कहते हैं लास्ट कि दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय, दैट हैव स्टोलन माई बुक्स। अब ये सेंटेंस है तो दोस्तों यहां पर द सेम की वजह दैट तो आया है, लेकिन यहां पर हमने देखा द लिटिल दैट का प्रयोग हुआ, द ओनली दैट का प्रयोग हुआ, तो द सेम के साथ दैट का प्रयोग हुआ। अब मैंने ये सीधा ही सेंटेंस बताया आपको एरर का नहीं, तो इस तरह से ये दैट का यूज हो गया। ओके, तो दोस्तों इस तरह से यहां पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन को कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में फिर हम प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।